All readers are welcome in online class of IPS school Losar. जैसे कि हम प्रेजेंट सिंपल के बारे में पढ़ चुके थे, प्रेजेंट सिंपल के स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ चुके थे, यूज के बारे में पढ़ चुके थे, जितने भी जो बेसिक रूल्स वगैरह हैं उनके बारे में हमने आपको बताया। इसके बाद में जो नेक्स्ट टेंस आ रहा है द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, जिसको हम प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। इससे पहले इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखें कि जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने जो COVID-19 के लिए जो भी इंस्ट्रक्शन जारी किए हैं उनकी पालना करें, घर पर ही रहें, मस्ती करें, ये काफी खतरनाक बीमारी है और विशेष रूप से 17 मई तक तो आप इसकी पालना करें करें, अनावश्यक कहीं बाहर ना निकले और निकले तो पूर्ण सेफ्टी के साथ में निकले। तो द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बारे में हम पढ़ रहे थे आज पढ़ेंगे। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस के बारे में पढ़ने से पहले सबसे जो महत्वपूर्ण बात यह है कि जो वर्ब होती है प्रेजेंट पार्टिसिपल फर्स्ट फॉर्म में ING, वो हमें भली भांति बनानी आनी चाहिए। ऐसी वर्ब जिनमें हम ING किस रूप में लगाएं, ऐसे डायरेक्टली हम ING लगाएंगे तो अपनी वर्ब गलत भी हो सकती है, क्योंकि इस टेंस में फर्स्ट फॉर्म में ING का प्रयोग होता है। तो सबसे पहले हम इसके यूज के बारे में पढ़ें कि कहां इस टेंस का प्रयोग होता है। तो प्रयोग में हम हिंदी में देखें, इस टेंस का प्रयोग ऐसे कार्यों को चिन्हित करने के लिए किया जाता है जो कि वर्तमान समय में चल रहे हैं वह भविष्य में भी जारी रह सकते हैं। इस टेंस का प्रयोग होता है, इस टेंस का प्रयोग ऐसे कार्यों को चिन्हित करने के लिए किया जाता है जो वर्तमान समय में चल रहे हों वह भविष्य में भी जारी रह सकते हैं। तो जो वर्ब होती है इस टेंस की, जो वर्ब होती है इस टेंस की वर्ब के द्वारा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। इस टेंस का प्रयोग ऐसे कार्यों को चिन्हित करने के लिए किया जाता है जो कि वर्तमान समय में चल रहे हैं और भविष्य में भी जारी रह सकते हैं। एन एक्शन, तो कुल मिला के आपकी जो इसका मीन निकला है वो निकला है कि एन एक्शन दैट इज हैपनिंग इन प्रेजेंट टाइम, ऐसे कार्य जो वर्तमान समय में घटित होते हैं, एन एक्शन दैट इज हैपनिंग इन प्रेजेंट टाइम, हम इस टेंस का यूज करते हैं।
इस वीडियो में शूट कर लिया। अब इस टेंस में जो सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो ये है कि हम किस प्रकार से जो प्रेजेंट फॉर्म होती है, बेस फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है, उसमें आईएनजी किस प्रकार से ऐड करें। इसके लिए टेंस के स्ट्रक्चर या साधारण वाक्य, नकारात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य को पढ़ने से पहले हमें फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड करना आना चाहिए। इसके लिए विशेषज्ञों ने कुछ निर्धारित रूल्स बनाए हैं, उनकी पालना करके, उनको फॉलो करके हम फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी करेक्ट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं और कंटिन्यूस टेंस बना सकते हैं। तो इसके लिए देखिए, सर्वप्रथम वाक्य बनाने से पूर्व प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म बनाना आना चाहिए। ये एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि सर्वप्रथम वाक्य बनाने से पूर्व प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म बनाना आना चाहिए। प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब का मतलब होता है फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो इसके लिए अभी आपको जैसे कि पूर्व में मेंशन किया जा चुका है कि हमें वर्ब में आईएनजी लगाने से संबंधित रूल्स का पता होना चाहिए, क्योंकि ये तो सभी को पता है कि प्रेजेंट जो कंटिन्यूस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव जो टेंस है उसमें सहायक क्रिया के रूप में इज एम आर का प्रयोग होता है और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग होता है। लेकिन मेन वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसमें जो आईएनजी हम लगाते हैं उसके लिए निर्धारित जो रूल्स हैं वो हमें आने चाहिए, तभी तो हम फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा सकते हैं, अन्यथा वो तो गलती लगेगी आईएनजी। अब देखिए, इसके लिए सम इम्पोर्टेंट रूल्स टू एड आईएनजी इन बेस फॉर्म प्रेजेंट फॉर्म अथवा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बेस फॉर्म, प्रेजेंट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म में कुछ निर्धारित रूल्स हैं, उनके अकॉर्डिंग हम आईएनजी का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले हम जो फर्स्ट रूल पढ़ते हैं तो इसमें हम देखें तो जिन वर्ब्स के अंत में, जिन वर्ब्स के अंत में ई हो, जिन वर्ब्स के अंत में ई हो तो आईएनजी लगाते समय, आईएनजी लगाते समय ई को हटा देते हैं। जिन वर्ब्स के अंत में ई हो तो आईएनजी लगाते समय ई को हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं। और आप इस बात में, इस बात पर विशेष ध्यान रखिए कि जिन वर्ब के अंत में ई हो तो आप ई को उठाकर आईएनजी लगाएंगे। दैट इज फॉर एग्जांपल के लिए ऐसी वर्ब्स हैं जैसे टेक है, सी एच ओ के ई चौक है, बी ए के ई बैक है, इसी प्रकार से जी आई वी ई गिव है, इनके सब के अंत में क्या है, ई है। तो जब आप आईएनजी लगाएंगे तो आप क्या करेंगे, ई को हटा देंगे, यहां से ई रिमूव हो जाएगा तो टेक का क्या बन जाएगा, टेकिंग बन जाएगा, चौक का क्या बन जाएगा, चौकिंग हो जाएगा, बैक का क्या हो जाएगा, बैकिंग हो जाएगा, इसी प्रकार गिव का क्या हो जाएगा, गिविंग हो जाएगा। तो ये सब एग्जांपल हैं, इस रूल्स में आते हैं।
वीडियो शूट करें। इसी का जो पार्ट है नेक्स्ट आगे बढ़े इसी रूल्स में हम आगे देखें रूल में आगे देखें सॉरी। तो लेकिन कुछ वर्ब्स जिनके अंत में ई होते हुए भी ई को रिमूव नहीं करते हैं, ई को रिमूव नहीं करते हैं, रीजन क्या है इसके पीछे। तो रीजन क्या है, ई की ध्वनि ई होने पर, बड़ी ई की ध्वनि होने पर, ई की ध्वनि बड़ी ई हो ऐसी स्थिति में हम ई को रिमूव नहीं कर सकते। दैट इज फॉर एग्जांपल के लिए हम देखें तो ऐसी कौन कौन सी वर्ब हैं, जैसे सी है, अब सी में आई एनजी लगाएंगे आप तो इसमें क्या हो जाएगा, सीधा आई एनजी लग जाएगा, यहाँ पर सी हो गया। इसी प्रकार से डबल ई वाले जैसे बी है, बी क्या हो जाएगा, बीइंग हो जाएगा, बी में क्या हो गया, बीइंग हो गया, सी में क्या हो गया, सीनिंग हो गया। इसी प्रकार की वर्ब का विशेष ध्यान रखें। ये फर्स्ट रूल चल रहा है आपके लिए। नेक्स्ट जो रूल है रूल नंबर टू, जिन वर्ब्स के अंत में डब्ल्यू एक्स वाई हो तो आई एन जी सीधा आखिर में ऐड कर देवे। जिन वर्ब्स के अंत में डब्ल्यू एक्स वाई हो, इनमें से कुछ दिया हुआ हो, ये जो भी लेटर है तीनों, इन लेटरों में कोई लेटर दिया हुआ हो तो आप आई एन जी सीधे लगा दें। जैसे दैट इज फॉर एग्जांपल के लिए हम देखें तो प्ले है, अब प्ले में क्या हो जाएगा, प्लेइंग हो जाएगा। इसी प्रकार से हम देखें थरो है तो क्या हो जाएगा, थरोइंग हो जाएगा। इसी प्रकार से हम देखें तो फ्लेक्स है तो फ्लेक्स में भी फ्लेक्सिंग हो जाएगा। ये रूल नंबर सेकंड है आई एन जी लगाते समय या प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब बनाते समय, इसे भी आप शूट कर लें। नेक्स्ट जो रूल है जिन वर्ब्स के अंत में आई ई दे रखा हो तो आई ई को वाई बनना करें, अंत में आई एन जी जोड़ देते हैं।
जैसे दैट इज फॉर एग्जाम्पल, ये हम कौन सी वर्ब बना रहे हैं आईएनजी वाली, प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म को बेस फॉर्म, फर्स्ट प्रेजेंट फॉर्म फर्स्ट फॉर्म बोलते हैं, सेकंड पास्ट होती है, थर्ड पास्ट पार्टिसिपल होती है, और फोर्थ होती है प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब। अब इसमें एग्जांपल देखिए, जैसे टाई है तो टाई टाई, आई किसमें चेंज हो गया, वाई में। इसी प्रकार से लाई है तो लैंग, आई किस में चेंज हो गया, वाई में। इसी प्रकार से डाई है डैंग, आई किस में चेंज हो गया, वाई में, और सीधा फिर आईएनजी लगा दिया। इसी प्रकार से रूल नंबर फोर्थ है, इस प्रकार की वर्ब, इस प्रकार की वर्ब जो एकल शब्दांश सलेबल वाली हो और उनकी स्पेलिंग, उनकी जो स्पेलिंग है सीबीसी, सीबीसी मीन्स कॉन्सोनेंट वोल कॉन्सोनेंट से उनका कंस्ट्रक्शन हो, सीबीसी से उनका कंस्ट्रक्शन हो, इस प्रकार का स्ट्रक्चर उनका हो, तो अंतिम लेटर अक्षर को डबल कर देते हैं। डबल कर देते हैं उसके आखिर में आईएनजी जोड़ देते हैं। अब ये रूल आप देख रहे हैं, इस प्रकार की कोई वर्ब का कंस्ट्रक्शन होने पर आप क्या करेंगे, उसके आखिर में डबल करके आईएनजी लगाना आपको। दैट इज फॉर एग्जांपल के लिए हम बहुत सारे एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे देखिए एस आई टी सिट है, एफ आई टी फिट है, आर यू एन रन है, पी एल एन प्लान है। आप देखिए एस आई डबल टी आई एन जी सिटिंग हो गया यहाँ, एफ आई डबल टी आई एन जी फिटिंग हो गया यहाँ, आर यू डबल एन आई एन जी रनिंग हो गया यहाँ, इसी प्रकार से प्लानिंग हो गया यहाँ, इसी प्रकार से बहुत सारे एग्जाम्पल है जो इस रूल के अकॉर्डिंग आप वर्ब देख करके वर्ब में आई एन जी लगा सकते हैं। स्टॉप हो गया, जैसे स्टॉप स्टॉपिंग होता है, डबल पी हो जाएगा। और वैसे दूसरे अंदाज में देखें तो इस लेटर अक्षर के इसमें क्या है, टी, टी क्या है कॉन्सोनेंट, उससे पहले वोवल हो, एक वोवल होने पर अंतिम जो लेटर उसको डबल करके आई एन जी लगा देंगे। ये कुछ छोटे छोटे रूल्स हैं जिन्हें आप देख करके सोच समझ करके याद करके वर्ब में आईएनजी लगा सकते हैं, क्योंकि प्रेजेंट जो कंटिन्यूस टेंस है वो हम सही तरीके से सही रूप में तभी पढ़ सकते हैं जब हमें प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब बनानी आनी चाहिए या आए। इस रूप में आप वीडियो शूट कर लें। अब हम नॉर्मली, अभी हमने पढ़ा प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब फॉर्म कंस्ट्रक्शन से संबंधित कुछ रूल्स, नॉर्मल रूल्स
और भी कोई रूल है वो आप ये देख सकते हैं। बेसिकली हमने नॉर्मल वे में आपको जो रूल्स बताए हैं वो आप ध्यान दें। इसके बाद में हम जो टेंस पढ़ रहे हैं, द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड आइडेंटिफिकेशन ऑफ हिंदी, जो पहचान है इसकी कि हिंदी वाक्य के अंत में पहचान रहा है, रही है, रहे हैं, हुआ है, हुई है, हुए हैं। ये हिंदी वाक्य के अंत में आता है, रहा है, रही है, रहे हैं, हुआ है, हुई है, हुए हैं। इससे पहले आपने प्रेजेंट सिंपल में पढ़ा ता है, ती है, ते है, ता हूं। नॉर्मल सिक्स क्लास के बच्चे को भी ये पता होता है, लेकिन आप आराम से पढ़े, पढ़ने का काम ये आपका। अब इसमें देखिए जो सबसे महत्वपूर्ण जो बात है, एडवर्ब्स ऑफ टाइम। हर टेंस की एडवर्ब ऑफ टाइम हर स्टूडेंट को याद होना या हर रीडर को याद होना काफी अच्छी बात है। मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन, तो इसमें हम देखें तो कौन कौन से जो एडवर्ब्स हैं जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की पहचान करवाते हैं, जिसमें सबसे पहले पढ़े हम नाउ। इसमें नाउ का प्रयोग होता है। नेक्स्ट देखें तो स्टिल, स्टिल भी इस टेंस की पहचान करवाता है, STILL। इसी प्रकार से देखें तो दीज डेज, दीज डेज, नाउ ए डेज, नाउ ए डेज, इन दिन होता है, एट प्रेजेंट वर्तमान परिपेक्ष में वर्तमान समय में, यह भी इस टेंस की पहचान करवाता है, एट प्रेजेंट। इसी प्रकार से हम देखें तो एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, एट दिस मोमेंट। इसी प्रकार से हम देखें तो कंटिन्यूअसली, कंटिन्यूअसली, कॉन्स्टेंटली, करंटली, करंटली हाल ही में होता है, कॉन्स्टेंटली लगातार होता है, कंटिन्यूसली लगातार होता है। ये जो एडवर्ब है वो आपको ध्यान रखने चाहिए, नाउ स्टिल दिस डेज, नाउ ए डेज, एट प्रेजेंट, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, कंटिन्यूस, कॉन्स्टेंटली, करंटली। इसी प्रकार हमने प्रेजेंट सिंपल में पढ़ा ऑलवेज, डेली, नेवर, ऑफन, समटाइम्स, रेयरली, फ्रीक्वेंटली, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, वो उसके एडवर्ब्स थे। आप हर टेंस के एडवर्ब को विशेष ध्यान रखें, क्योंकि कॉम्पिटिशन में इनसे संबंधित क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, जो वर्ब संबंधी जो क्वेश्चन होता है। वीडियो शूट कर लें। अब हम सेंटेंस में चलें, तो चार प्रकार के जो सेंटेंस हैं वो आपको बताए गए थे। सेंटेंस में वाक्यों में हम देखें तो वाक्य में पहला जो वाक्य आता है आपको पूर्व में बताया गया, अफर्मेटिव, जिसे पॉजिटिव भी बोलते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस। दूसरा जो सेंटेंस है वो नेगेटिव सेंटेंस। तीसरा जो सेंटेंस है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। स्पेलिंग वगैरह को आप बिल्कुल तैयार कर लें। फोर्थ जो सेंटेंस है वो आपका इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ये चार प्रकार के जो सेंटेंस है वो हर टेंस में चलते हैं और इनके स्ट्रक्चर आपको अच्छी तरीके से आने चाहिए, इनके अकॉर्डेंस आपका वाक्य का कंस्ट्रक्शन होना चाहिए,
कि आपका वाक्य अफर्मेटिव है तो अफर्मेटिव के अकॉर्डेंस आप सेंटेंस बनाए, नेगेटिव है तो नेगेटिव के अकॉर्डेंस बनाए, इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव। जैसे कि प्रेजेंट सिंपल में आपको टू टाइप्स बताया गया, मेंशन किया गया, इसी प्रकार इस टेंस में भी पढ़ेंगे हम। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में डियर यूजर, अफर्मेटिव सेंटेंस स्वीकारात्मक वाक्य, स्वीकारात्मक वाक्य में आप देखें तो सबसे पहली बात है, अभी हम बगैर स्ट्रक्चर के पढ़ रहे हैं या स्ट्रक्चर से ही पढ़ लो मान लो, तो इसका जो फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन जो होगा वो किस प्रकार से होगा देखिए, या कंस्ट्रक्शन या इसका पैटर्न स्ट्रक्चर जो भी है वो आप इन सब को क्या बोलते हैं, रचना सूत्र, रचना सूत्र। तो रचना सूत्र में देखें हम अफर्मेटिव सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल में तो सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में ऑक्सिलरी के रूप में हम देखते हैं तो ईजेएमआर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। हेल्पिंग वर्ब के बाद में फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग होता है जिसे प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब भी बोलते हैं, और इसके बाद में ऑब्जेक्ट आता है, और इसके बाद में रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस अगर वाक्य में है तो उसे लिख देते हैं लास्ट में, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस, या जिसे कॉम्प्लीमेंट एडवर्ब के रूप में भी देखते हैं, एडवर्ब भी हो सकता है, वीडियो शूट कर ले। प्रिय रीडर, इज एम आर का प्रयोग कहां होता है, ऐसे सभी को पता है लेकिन छोटे बच्चे होते हैं उनकी समस्या होती है, और हमें उस रूप में पढ़ना है कि सब बच्चों को ये आए, वाक्य बनाना आना चाहिए, इंग्लिश में किसी प्रकार की उनको समस्या नहीं होनी चाहिए, आराम से वो इजी वे में एक बार वीडियो देख कर ही समझ सकते हैं। उनको भी ध्यान में हमें रखना चाहिए, उनको रखकर ही हम उस अंदाज में आपको ये बता रहे हैं। तो इसमें देखिए हेल्पिंग जो वर्ब है इज एम आर, ईजेएमआर का प्रयोग होता है। तो इसके लिए हम देखें तो जो गोल्डन रूल है, गोल्डन जो रूल है, यदि सब्जेक्ट ही हो, सी हो, इट हो, अथवा किसी का कोई नेम, राम, श्याम, गीता, सीता, बिमला, तो इज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग वहां किया जाता है। और यदि आपका सब्जेक्ट है, यदि सब्जेक्ट है वो क्या हो, आई हो, आई हो, तो आई के साथ में कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, एम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। यदि सब्जेक्ट यू हो, वी हो, दे हो, या मान लो प्लूरल हो, तो आप किसका प्रयोग करते हैं, आर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। ये बात भी ध्यान रखें कि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, इज का प्रयोग करेंगे, आई के साथ में एम का प्रयोग करेंगे, यू वी दे के साथ में आर का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार से अगली जो बात है, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब का प्रयोग, चाहे कर्ता एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, सभी के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। अब हम एग्जाम्पल में चले तो देखिए कुछ एग्जाम्पल हम बनाकर देखते हैं। वह इस समय पढ़ रहा है, वह इस समय पढ़ रहा है,
तो यहाँ पर हम देखें किस प्रकार का सेंटेंस है, व्हाट काइंड ऑफ सेंटेंस इज दिस। तो ये अफर्मेटिव पॉजिटिव स्टेटमेंट सेंटेंस है। अब इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट देखिए, तो वह इस समय पढ़ रहा है, तो वह इसमें क्या है, सब्जेक्ट है। अब पुरुष के लिए आया, तो पुरुष के लिए हम क्या यूज करेंगे, ही। अब ही के अकॉर्डिंग आप हेल्पिंग वर्ब देख लीजिए, हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या है, इज, ही इज। अब मेन वर्ब देखिए, पढ़ना, रीड, रीड में क्या लगा देंगे आईएनजी, ही इज रीडिंग। और इस समय, इस समय को क्या बोलते हैं, ये एडवर्ब ऑफ टाइम ऑफ प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, ही इज रीडिंग एट दिस टाइम, एट दिस टाइम। अब ये अपना कंस्ट्रक्शन हो गया वाक्य का, ही सब्जेक्ट हो गया, इज ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब, रीडिंग मेन वर्ब, एट दिस टाइम एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। यानी इसमें चार बातों का मेंशन हुआ, इसमें ऑब्जेक्ट भी नहीं है और इसमें कॉम्प्लीमेंट भी नहीं है। इस प्रकार वाक्य में जो अलग अलग जो बातें मेंशन होती हैं, उल्लेखित होती हैं, उन्हें छांटना भी आना चाहिए हर स्टूडेंट को कि कौन सा कौन सी जगह पर निर्धारित अपना स्थान रखता है। वीडियो शूट कर ले, नेक्स्ट जैसे वाक्य देखिए, और भी एग्जांपल देखिए। अध्यापक है कक्षा में बातें कर रहे हैं, सुनीता मेहमानों के लिए केले नाश्ता तैयार कर रही है। विद्यार्थी कक्षा में हंस रहे हैं। वह बाजार जा रहा है। मैं इन दिनों कठोर परिश्रम कर रहा हूं। ये सारे सेंटेंस आपके पॉजिटिव सेंटेंस हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के हैं। अध्यापक कक्षा में बातें कर रहे हैं, तो इसमें सब्जेक्ट क्या हो गया आपका, अध्यापक। अध्यापक कक्षा में बातें कर रहे हैं, तो अध्यापक एक नहीं है, बहुत सारे अध्यापक हो गए। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप सब्जेक्ट के रूप में, टीचर्स। टीचर्स के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या है, यहाँ आर, टीचर्स आर। अब क्या कर रहे हैं, बातें करने के लिए वर्ब आती है टॉकिंग, कहाँ कर रहे हैं, इन द क्लास। नेक्स्ट जो सेंटेंस है आपका, फर्स्ट सेंटेंस सेकंड सेंटेंस का फॉर्मेशन ये हो गया, टीचर्स आर टॉकिंग इन द क्लास। सुनीता मेहमानों के लिए नाश्ता तैयार कर रही है, तो यहाँ पर फाइंड आउट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, सुनीता। सुनीता के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज। मेहमानों के लिए नाश्ता तैयार कर रही है, तो तैयार करना, सुनीता इज प्रिपेयरिंग, प्रिपेयरिंग। हम नाश्ते को क्या बोलते हैं, ब्रेकफास्ट। किन के लिए कर रही है, फॉर द गेस्ट, फॉर द गेस्ट के लिए नाश्ता तैयार कर रही है सुनीता। सब्जेक्ट इज ऑक्सिलरी, प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब, ऑब्जेक्ट हियर, फॉर द गेस्ट, कॉम्प्लीमेंट हियर। विद्यार्थी कक्षा में हंस रहे हैं, तो द स्टूडेंट्स, विद्यार्थी क्या हो गया, द स्टूडेंट्स आर लाफिंग इन द क्लास। ये सब्जेक्ट हो गया द स्टूडेंट्स, आर हेल्पिंग वर्ब, लाफिंग मैन वर्ब, इन द क्लास कॉम्प्लीमेंट, एडवर्ब, सॉरी एडवर्ब भी नहीं है, ऑब्जेक्ट भी नहीं है इस वाक्य में भी।
वह बाजार जा रहा है। तो ही की अकॉर्डेंस हेल्पिंग वर्ब क्या आ गई, इज, ही इज गोइंग टू मार्केट, ही इज गोइंग टू मार्केट, मैं इन दिनों कठोर परिश्रम कर रहा हूं। आई के साथ में ऑक्सिलरी के रूप में प्रेजेंट कंटिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब एम का प्रयोग किया जाता है, आई एम, वर्क मेन वर्ब हियर वर्किंग, आई एम वर्किंग हार्ड दीज डेज, मैं इन दिनों कठोर परिश्रम कर रहा हूं। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो कंपटीशन वगैरह में जो क्वेश्चन आते हैं वो वर्ब से संबंधित आते हैं, जैसे यहाँ पर ब्लैंक आ गया। अब यहाँ पर मान लो चार ऑप्शन थे, इज वर्किंग था, एम वर्किंग भी था, हैव बीन वर्किंग था, हैड बीन वर्किंग था, तो आपको सिलेक्ट करनी होती है, प्रॉपर वर्ब सिलेक्ट करनी होती है। तो आप आराम से देख सकते हैं यहाँ पर आपने क्या देखा, दीज डेज, तो दीज डेज का मतलब क्या हुआ, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हो गया, तो आप प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की वर्ब यहाँ सेलेक्ट करेंगे। वीडियो शूट कर लें, आप देखिए नेगेटिव सेंटेंस में हम चलते हैं, नकारात्मक वाक्य जिसे कहा जाता है, तो हेल्पिंग वर्ब जो आपकी है ऑक्सिलरी है इज एम आर, उसके बाद में नोट का प्रयोग करेंगे तो आपका जो कंस्ट्रक्शन वाक्य का बनेगा या जो पैटर्न है स्ट्रक्चर है वो ये होगा, सबसे पहले आप सब्जेक्ट रखेंगे, सब्जेक्ट के बाद में आपकी हेल्पिंग वर्ब रखी जाएगी, हेल्पिंग वर्ब पूर्व में मेंशन की जा चुकी है, इज एम आर के बाद में नोट का प्रयोग होगा, नोट के बाद में फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जिससे प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब कहा जाता है, इसके बाद में ऑब्जेक्ट मेंशन होगा और इसके बाद में रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस रखा जाएगा। रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस में आपके यहाँ कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है, दैट इज फॉर एग्जाम्पल कुछ नकारात्मक वाक्य बनाइए, जैसे राधा इन दिनों स्कूल नहीं आ रही है, राम इस समय नहीं सो रहा है, इन दिनों बरसात नहीं हो रही है, वाक्य को देखें, राधा इन दिनों स्कूल नहीं आ रही है, तो आप हिंदी पहचान देख चुके हैं, इन दिनों अंग्रेजी पहचान है। अब आपका जो कंस्ट्रक्शन होगा उसके लिए जो ये स्ट्रक्चर लिखा गया है इसके अकॉर्डिंग आप जहां जहां जिस चीज की आवश्यकता है प्रॉपर वे में मेंशन कर दें, आपका सेंटेंस तैयार हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर राधा सब्जेक्ट, तो राधा, राधा के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का जो यूज हुआ वो क्या हुआ, इज, राधा इज नॉट, इजेंट, राधा इज नॉट। इसके बाद में फाइंड आउट मेन वर्ब, तो मेन वर्ब यहाँ क्या है, कमिंग। अब कमिंग में देखिए आप सी ओ एम ई, इस वर्ब के अंत में क्या था, ई, आप ई को रिमूव करके क्या लगाते हैं, आई एन जी लगाते हैं, अभी आपको रूल बताया गया था आई एन जी लगाने से संबंधित या प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाने से संबंधित, वो आप उनको फॉलो करेंगे, राधा इज नॉट कमिंग। अब इन दिनों स्कूल नहीं आ रही है, राधा इज नॉट कमिंग टू स्कूल,
दीज डेज इन दिनों राधा स्कूल नहीं आ रही है। आपका सेंटेंस बनकर के फॉर्म होकर के तैयार है, राधा इजंट कमिंग टू स्कूल दीज डेज। तो दीज डेज क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। दसवीं क्लास भी देखें तो ये वर्ब संबंधी क्वेश्चन आता है, इसमें आपको इनको तो याद करना ही करना होगा, एडवर्ब ऑफ टाइम, मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन, जिससे कि आप वर्ब आराम से इजी वे में भर सके। राम इस समय नहीं सो रहा है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या हो गया, राम हो गया। राम के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या हो गई, इज। राम इज नॉट स्लीपिंग एट दिस टाइम। अब यहां पर देखिए एट दिस टाइम हो गया, एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया, टेंस की आइडेंटिफिकेशन हो गई है। राम इज नॉट स्लीपिंग एट दिस टाइम, राम इस समय नहीं सो रहा है। ऐसे देखो इन दिनों बरसात नहीं हो रही है, तो यहाँ पर फाइंड आउट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ पर है इट। इट के साथ क्या, इट सिंगुलर को इंडिकेट करता है, इट इज नॉट ए रेन वर्ब है यहाँ, रेनिंग, इट इजंट रेनिंग इन दिनों, तो इन दिनों के लिए क्या हो जाएगा, दीज डेज, इन दिनों बरसात नहीं हो रही है, इट इजंट रेनिंग दीज डेज, इन दिनों बरसात नहीं हो रही है। तो प्रिय रीडर्स, प्रिय स्टूडेंट्स, आप इस बात का ध्यान रखें कि नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा, अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा, इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा, वाक्य की हिंदी पहचान क्या होगी, वाक्य के एडवर्ब ऑफ टाइम यानी सेंटेंस में फाइंड आउट करने पड़ते हैं आपको एडवर्ब ऑफ टाइम, उनके अकॉर्डिंग आप वाक्य बना सकते हैं। वीडियो शूट कर लें, और कुछ वर्ब्स ऐसी भी हैं जिनमें आप प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज नहीं कर सकते, तो कुछ वर्ब्स ऐसी हैं वो भी आपको बताएंगे अगले संभवतया इसी टेंस में आपको बताएंगे, उसके बारे में भी। कुछ वर्ब्स ऐसी हैं जो प्रेजेंट सिंपल में ही कंप्लीट हो जाती हैं, वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में कभी भी यूज नहीं होती हैं। जैसे वर्ब्स ऑफ पर्सुइंग में देखें तो टेस्ट है, फील है, इसी प्रकार से स्मेल है, हियर है, लव है, डिजायर है, रिमेम्बर है, ये बहुत सारी वर्ब आएंगी जिनमें हम फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग नहीं कर सकते। तो डियर रीडर्स आज के लिए इतना ही, आप स्टे एट होम एंड बी सेफ ड्यू टू COVID-19, एक फेटल डिजीज जो काफी खतरनाक जो बीमारी है उसका हम सामना कर रहे हैं, इससे अपने आप को, अपने समुदाय को, अपने राज्य को, अपने गांव को, अपनी ढाणी को, अपने शहर को, अपने देश को बचाने के लिए आप राज्य सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा जो नियम कानून कायदे बनाए गए हैं उनको फॉलो करके सेफ रहें। बस केवल इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे आगे।